हेलो बच्चों, मैं आपकी टीचर दीदी आरती शर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टार्ट द पॉइंट माय टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। देखिए, जैसे मैंने इसमें मेंशन कर रखा है, लिख रखा है बोर्ड पे। देखिए, अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्लासिफिकेशन एनिमल देखिए टू टाइप्स का होता है। पहला आता है वर्टिब्रेट्स और दूसरा हमारा इनवर्टिब्रेट्स। तो देखिए, वर्टिब्रेट्स का एक नाम और क्या है, कॉर्डेटा। उसको हम कॉर्डेटा के नाम से भी जानते हैं और वर्टिब्रेट्स भी कह सकते हैं। तो दोनों एक ही नाम है। अब ये देखिए, इनवर्टिब्रेट्स इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन कॉर्डेटा। देखिए, वर्टिब्रेट्स मीन्स वो होते हैं, उसमें वो फाइलम आते हैं जिनमें बैकबोन प्रेजेंट होती है, रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होती है। और जो हमारा इनवर्टिब्रेट है उसमें नॉन लग रहा है, नॉन मतलब नहीं, तो इसमें जो बैकबोन होती है उसमें प्रेजेंट नहीं होती है। तो चलिए अब हम वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं। सबसे पहले तो इसमें फर्स्ट फाइलम आता है हमारा मैमल्स, जिसमें बैट आती है। मैंने साइड में लिख रखा है कि इसमें क्या क्या आती है, तो आपको हिंट मिल जाएगा कि इसमें क्या आता है। चलिए, और सेकेंड हमारा है एबिस, एबिस मतलब बर्ड्स वाला फाइलम आता है। थर्ड हमारा है रेप्टाइल्स, इसमें स्नैक आते हैं। अब यह है फोर्थ नंबर का, इसमें हमारा क्या है एम्फीबिया, इसमें फ्रॉग आता है। एंड हमारा फाइव नंबर का है पिसीज, यानी इसमें फिश वगैरह आती है, रोहू फिश है, सी हॉर्स है इसके अंदर आता है। तो देखिए, आप लिखना चाहें तो आप इसमें ऐसे लिख सकते हैं, देखिए स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं इनवर्टिब्रेट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है फाइलम प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ में अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना, ये सब इसमें आते हैं प्रोटोजोआ में। चलिए अब बात करते हैं सेकंड हमारा फाइलम है पोरीफेरा। तो पोरीफेरा में जितनी भी स्पंज आती हैं सब इसमें आती हैं। अब तीसरे नंबर का हमारा है निडारिया, ये सी साइलेंट है इधर, तो निडारिया इसको पढ़ेंगे, इसमें आती है हमारी जेलीफिश। अब देखिए, वन टू थ्री फोर्थ नंबर का हमारा है नेमेटोडा, तो इसमें एस्केरिस आता है। एंड फिर हमारा है प्लेटीहेमनीथिस, इसमें टैबबॉम आता है। और फिर हमारा है एनेलिडा, इसमें केचुआ आता है, अर्थबॉम आता है एनेलिडा में। फिर हमारा आर्थोपोडा में जितने भी इंसेक्ट हैं सब इसके अंदर आते हैं, जैसे कॉकरोच है हमारा और बिच्छू है, ये सब इसके अंदर आते हैं, जितने भी इंसेक्ट वगैरह हैं सब इसमें आते हैं। अब मोलस्का में पाइला आता है और सीप आती है, जो सीप होती है ना इसमें यूनियन बोलते हैं, इसमें मोलस्का से में वो रखते हैं। इकानोडर्मेटा में तो आपको पता होगा कि लास्ट वाला है ये, इसमें स्टार फिश आती है। तो आप नोट करना चाहें तो आप ऐसे नोट कर सकते हैं इनवर्टिब्रेट्स के। और मैं आपको साथ साथ ये भी बताती चलती हूँ कि आपके पीजीटी में कौन कौन से फाइलम आने हैं, तो साथ साथ उसकी भी तैयारी होती जाएगी। तो मैंने इसमें अलग लिख रखा है, देखिए ये पीजीटी में आपका प्रोटोजो आएगा और हेमनीथिस आना है, इंसेक्ट वाला आना है और मोलस्कस आना है। तो ये चार जो फाइलम हैं वो हमारे किस में आने हैं, पीजीटी में आना है। तो हम आगे टॉपिक जो बनाएंगे वो हम सिर्फ इन फोर फाइलम की बात करेंगे, बाकी फाइलम मैं बाद में समझाऊंगी आपको। तो कल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, मैं आपको पूरा ही डिस्क्राइब करूंगी। देखिए, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अपने नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो अगर आपको तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।